दोस्तों आज हम थोड़े से लेट हैं क्योंकि हमारे साथ शिवा भी है। शिवा भी हमारे साथ जा रहा आज क्योंकि इसकी छुट्टी है, तो बोला पापा मैं भी चलूँगा आज, तो इसको भी ले लिया हमने, ठीक है ना। थोड़ी देर मेरे साथ ये भी मेडिटेशन कर लेगा क्योंकि इसको मैं सिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सीख रहा है ना शिवा तू। अरे मज़ा आता है थोड़ा बहुत। तो अभी हम चल रहे हैं और अभी हम लगभग 7 बज चुकी है दोस्तों। मैं पापा के साथ आया हूँ और अभी रनिंग करेंगे, फिर योगा करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। अगर कचरा लगाएंगे तो अपन ही उठा देंगे। हाँ, ये कह रहा है कि पापा आज हम थोड़ी सफाई भी करेंगे कहीं। इसकी भावना है कि पापा आज हम कहीं मंदिर के आसपास सफाई कर देंगे थोड़ी, देखते हैं अभी क्या होता है। ओ शिवा तो वहाँ तक चढ़ गया, पहाड़ पे चढ़ गया वो तो। शिवा हमसे आगे निकल गया। आज के ब्लॉग में हाँ रुको रुको बेटा, मैं आ रहा हूँ, आगे मत जाओ ज़्यादा, रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं। इसको मैं डीप स्लीप के प्रयोग करवा रहा हूँ कुछ दिनों से, तो ये अच्छे से म्यूज़िक को सुनते हुए शरीर को ढीला छोड़ते हुए एकदम मस्त गहरी नींद में चला जाता है। मुझे हरा रहे हो? तेरे को तो मैं नहीं हरा पाऊंगा। जय श्री राम भैया। शिवा आगे निकल गया, हम पीछे धीरे धीरे आराम से, बेटा गिरना नहीं है, आराम से पत्थर लग जाएगी ना, आराम से दौड़ो, धीरे धीरे आराम से। रनिंग पहले हमेशा धीरे शुरू करते हैं, एकदम दौड़ेंगे तो फिर मसल्स दर्द करती है। अभी देखना तुझे बहुत सारी गर्मी लगेगी, तू जैकेट खोल देगा। दोनों जैकेट खुला देना। दोनों जैकेट नहीं खुलाऊंगा। हाँ खुला ना। मैं दौड़ता हूँ, ऐसे दौड़ेगा तू? दौड़ो। देव आदि देव महादेव के दर्शन करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जय जय शिव शंभू। बोले शंकर आपकी जय हो, महादेव आपकी जय हो, दीनानाथ आपकी जय हो, चंद्रमौली आपकी जय हो, पिनाकी हस्ताय आपकी जय हो। बोले बाबा का जल से अभिषेक कर देते हैं, चलो। ओम गंगा गणपते नमः बोल के चढ़ाओ। ओम गंगा गणपते नमः गणों के अधिपति देवता आपकी जय हो। फिर माँ शक्ति के ऐसे कभी नहीं चढ़ाते, देखो इधर देखो ऐसे, ये हाथ यहाँ रखते हैं ऐसे, हाँ ऐसे दोनों हाथ से चढ़ाओ। आदिशक्ति दुर्गे माँ भवानी शक्ति स्वरूप अम्बे। अब कार्तिकेय, वो कार्तिकेय जिनके तीन मुँह। ओम कार्तिकेय नमः, कार्तिकेय नमः, कार्तिकेय नमः, कार्तिकेय नमः। भगवान भोलेनाथ के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय आपकी जय हो। चलो यहाँ वीरभद्र की स्थिति होती है, यहाँ वीरभद्र इनको चढ़ाओ। ओम वीरभद्राय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम वीरभद्राय नमः। हाँ बस अब यहाँ चढ़ाओ, अब यहाँ चढ़ाओ। माँ उतर थी इनके। हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो मुँह से। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। पूरे भाव से बहुत प्यार से चढ़ाओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ बहुत प्यार से चढ़ाओ। नमः शिवाय। भगवान प्रेम की भाषा ही समझते हैं बस। नमः शिवाय। भगवान कौन सी भाषा समझते हैं? प्रेम की। हाँ तो मैं बिल्कुल प्रेम से चढ़ाना है। अब नीचे ऐसे बैठो, देखो इधर नंदी महाराज के तो चढ़ाए नहीं आपने, नंदी महाराज के चढ़ो। हाँ नंदी महाराज के चढ़ो। ओम नंदीश्वर। ऐसे नहीं बैठते कभी भी जल चढ़ाते वक्त, ऐसे देखो ऐसे, या तो ऐसे बैठो या फिर ऐसे देखो ऐसे। ये देखो हनुमान जी कैसे बैठते थे। ओम नंदीश्वर नमः, ओम नंदीश्वर नमः, ओम नंदीश्वर नमः, ओम नंदीश्वर नंदीश्वर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब वो माणिक का लोटा लो और इस पर बैठो आसन पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय 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 हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव हर महादेव शिव शंभु चंद्रमौली आपकी जय हो। हाँ चंद्रमौली आपकी जय हो। पिना की हस्ताय आपकी जय हो। पिना की हस्ताय आपकी जय हो। बाबा भोले भंडारी आपकी जय हो। बाबा भोले भंडारी आपकी जय हो। नमो पार्वती पति हर हर शिव शंभु। नमो पार्वती पति हर हर शिव शंभु। चलो मुझे अभिषेक करने दो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु। हे चंद्रमौली हे पिनाकस्ताय आपकी जय हो। मेरे शंभु नाथ आपकी जय हो। भोले बाबा आपकी जय हो। चंद्रमौली आपकी जय हो। ताकत लगानी पड़ेगी। हाँ ताकत लगा के घिसो घिसो चंदन। भोले बाबा को चंदन अति प्रिय है। पहले चंदन अपने पिता शिव जी के लिए लगो। हाँ सही बात। वो अपने क्या पूरे संसार के पिता है। पूरे संसार के पिता है। चला जाओ लो चलो। दुनिया उनके सामने चलती है। लगाओ लगाओ लगाओ। मैं पहले एक जूम ले लेता हूँ। चलो अब चलते। चंद्रमौली आपकी जय हो। चलो तो मित्रों भोले बाबा का जल से अभिषेक कर दिया है। अब चलो थोड़ा सा रनिंग और करते हैं और फटाफट अपने चबूतरे पे चलते हैं। वहाँ चलेंगे। हाँ चलना। आज शिवा साथ में तो थोड़ी मस्ती जरूरी है बच्चों के साथ। जब तक आप बच्चों के साथ हाँ बच्चे जैसे नहीं हो जाओ मजा नहीं आता। फिर अपन जुफे भी करेंगे। हाँ बाद में। मित्रों जब तक आप बच्चों के साथ बच्चों जैसे नहीं हो जाते ना तो बच्चों को मजा नहीं आता। सही ना शिवा मजा नहीं आता। चलो दौड़ना शुरू करो आ जाओ। अच्छा मैं अभी अपनी एक्सरसाइज करती बता दूं। इधर आओ। ओ नीलगाय दिखा रहा ना। हाँ आ जाओ जल्दी आओ दौड़ो। पूरा। हाँ मैंने पूरा एक्सप्लोर किया हुआ है और बहुत ज्यादा मजा आता है यहाँ। ये जंगल हमारे जैसे लोगों के लिए बना है। हाँ छोड़ो। हाँ आराम से गिरना मत। गिरूंगा ही नहीं मैं ऐसा। वो नीलगाय कहाँ है? अरे वो कभी भी दिख जाती है वो छुपी भी रहती है। वो तो अपने से ज्यादा डरती है इंसानों से बेचारों से। वो इंसानों से डरती है कि मुझे नुकसान पहुंचा देंगे इसलिए वो नहीं आती सामने। आ जाओ। नहीं भागरा में आ गए ना। बड़ी पगडंडी से उधर चलना अपने को जिधर से आए। अरे यार रोज दिखती हो इसके लिए। इधर 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 आ जाओ। कौतूहल हो गई इसके लिए तो। ओके हाँ कोई बात नहीं गिरते हैं तो वापस उठते भी हैं। मित्रों सामूहिक भ्रामरी का प्राणायाम करेंगे ठीक है ना। ओमकार का जाप करेंगे 15-20 मिनट। सारे भाई साथ में बैठते हैं। सूर्यदेव को जल का अर्पण करके ध्यान में बैठेंगे और शिवा काउंटर पे जप करेगा। देखो जीरो है अभी देखते हैं ये कितने जप करता है। मित्रों सूर्यदेव को जल का अर्पण कर दिया है। 20 मिनट हमने भ्रामरी प्राणायाम किया। अब हम आधा घंटा जो हमारा प्रयोग चल रहा है उसको करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र के जो भगवान शिव ने बताया जिसमें हम श्वास के साथ आएंगे श्वास के साथ बाहर जाएंगे और उसके बीच का जो अंतराल है उसको
देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो अंतराल भगवान बुद्ध को 6 साल में मिला और भगवान महावीर को वो अंतराल 12 साल में मिला, लेकिन ओशो कहते हैं कि वो अंतराल तत्क्षण घट सकता है, लेकिन बाधा जो है वो सिर्फ हमारा मन है। तो हम हमारी सांस को बहुत बहुत होश के साथ देखेंगे, ना तो उसके साथ आगे जाएंगे ना उसके पीछे चलेंगे। जैसे वो चलती है बिल्कुल उसके साथ उतने ही होश के साथ आगे पीछे होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल उसके साथ चलेंगे। तो 30 मिनट हम ये करेंगे अभी, क्योंकि आज शिवा साथ में है, शिवा राम नाम का जप कर इतने करना है। इतने करने नहीं, आपको 5,000 जप करने हैं। 5,000 कर देखते हैं कितने कर सकता है, टारगेट 5,000 का, ठीक है। मित्रों 30 मिनट हम अपनी सांसों के साथ अंदर बाहर हुए, विज्ञान भैरव तंत्र का पहला प्रयोग है। आज हमारा 3रा दिन है, वर्क मेडिटेशन करेंगे। ओशो ने इसको बताया था कि भाई कार्य ध्यान कहते थे इसको, वो जिसमें हाँ जो अपन वर्क करते हो, हाँ फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो मित्रों इसी जंगल के अंदर जो पीछे मंदिर है ना देवनारायण भगवान का, भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं और हमारे राजस्थान के लोक देवता है। तो मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है, लोग बिल्कुल अनअवेयर हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है। हाँ। तो हम चल के उसकी थोड़ी सफाई करेंगे आज, 1 घंटा वहाँ देंगे, ठीक है। हाँ। चले, शिवा की भी इच्छा है, शिवा हम दोनों मिलके वहाँ सफाई करेंगे। चलो वहाँ चलते हैं, आज वर्क मेडिटेशन करते हैं। दोस्तों आज हम वर्क मेडिटेशन करेंगे। शिवा अभी तक तेने कितना किया काउंटर पे जब दिखा, राम नाम का जब किया इसने आज कितना दिखा ना, 2,354 दिखाओ दिखाओ ढंग से दिखाओ, 2,354 वाह यार, और चलते रहो, लगभग इसने लगभग 2,500 जप हो जाएंगे इसके। तो 2,354 का मतलब लगभग तूने 20 माला जप ली, लगभग 20-21 माला हो गई तेरी राम नाम की। मजा आता है ना, हाँ। जब में मजा आता है ना, हाँ, जब में और नेचर के बीच में मजा आता है ना, रनिंग में मजा आता है, माहौल कितना अच्छा नया। हाँ। है ना, तो देखो यहीं से दिख रही है गंदगी, और ये मंदिर है, मंदिर के पुजारी जी से भी हमने बात की लेकिन समझते ही नहीं है। कैमरा रुकना, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड कैमरा रखो, रुक जाओ, बोलो मत आप। देखो ये सब गंदगी पड़ी है, चलो साफ करना शुरू। हाँ देखो यहाँ कितनी गंदगी है, जिम में आता है तो सभी ये फेंक के चले जाते हैं। कितनी गंदगी है यार, यार कितनी। देखो दोस्तों आपको दिख रहा है ना कितनी गंदगी है, ये देखो यहाँ कोई है क्या, देखो ये क्या है जो बताओ। पापा अपन बहुत हेल्प आ चुके हैं। दोस्तों हम यहाँ 1 घंटा वर्क मेडिटेशन करेंगे, ठीक है ना, 1 घंटे में जितना कचरा हम बीनेंगे उसको एक जगह इकट्ठा करके इसमें आग लगाएंगे। तो दोस्तों करते हैं 1 घंटा श्रमदान, और इसको कहते हैं वर्क मेडिटेशन, दान भी नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे हम वर्क मेडिटेशन। हमारी श्वास के प्रति हम होशपूर्ण रहेंगे और बड़े प्यार और आनंद के साथ हम यहाँ जितनी भी गंदगी है उसको साफ करेंगे, ठीक है, 1 घंटा। दोस्तों पहले हम ये जो एरिया दिख रहा है इसमें जितनी भी गंदगी है उसको यहाँ इकट्ठा करेंगे, उसके अंदर आग लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से नीचे ले जाने का कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर ये सारा कचरा इकट्ठा करके जला देंगे, ठीक है, यहाँ जितनी भी गंदगी है एकदम नीट एंड क्लीन करेंगे इसको। चलो स्टार्ट हो जाते हैं। अभी सिर्फ हमारे को 15 या 20 मिनट हुए, देखो कितना सारा कचरा इकट्ठा कर दिया। शिवा मजा आ रहा है, है? शिवा मजा आ रहा है? हाँ। कितनी देर हुई अपने को अभी? 15 या 20 मिनट हुआ बस। ऊपर कपड़े भर लिए तूने, हम गंदे होंगे लेकिन इस जगह को साफ कर देंगे एकदम मस्त तरीके से। इतना सारा कचरा हमने 20 मिनट में इकट्ठा किया अभी, और अब दूसरा फेज लेते हैं, ये इस तरफ वाला, ठीक है, ये इस तरफ वाला पकड़ते हैं। गाइस देखो यहाँ भी 15 मिनट में इतना सारा हो गया, खूब सारा इकट्ठा कर दिया हमने। हाँ निकालो, डालो इसमें, यह बात। अब मैं ऊपर से भी रखूं? हाँ ये भी उठा लो, सब उठा लो, उधर से कर लो, हाँ जितने रास्ता बना लेना वहाँ। ये एरिया साफ हो गया, 2 ढेर हमने लगा दिए। अब हम ये जो है ना, ये इधर जितना भी पड़ा है इसको ले लेते हैं। दोस्तों ये हमने और इकट्ठा किया। दोस्तों आज ये इतना सारा कचरा हम दोनों ने मिलके सारा सारा हटाया।
और अब अपन इन्हें चलाएंगे। अभी लगभग हमारे को मित्रों 40 मिनट हो गए हैं, ठीक है ना। अब ये सामने वाला लेते हैं, जिधर ये बहुत गंदा लग रहा है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये पूरा लेते हैं शिवा, ये वाला पेड़ के अंदर ही लगा रखे कपड़े, ये वाला पूरा लेते हैं। तो दोस्तों देख लो कितना सारा पसीना हो रहा है। फाइनली हमने एक घंटा बोला, लेकिन हमने सवा घंटा करीबन, एक घंटे से ऊपर हो गया, मजे से कार्य ध्यान किया, वर्क मेडिटेशन किया। शिवा कैसा लगा? बहुत अच्छा। सामने देख के बोलो, सामने देख के बोलो। बहुत अच्छा, मजा आया ना? ऐसे और भी करना आएगा मेरे साथ, मजा आता है ना। तो दोस्तों अब हम इस कचरे को आग लगा के जलाएंगे। दोस्तों अभी सारे कचरे को हम फायर करेंगे, ठीक है। दोस्तों अब आप फर्क खुद देख सकते हो, देखना यहाँ कितनी सारी थैलियाँ थी, आपको कुछ नजर आ रहा है? ये देखो कितना सही लग रहा है आप देखने में। हाँ, हम दोनों ने मेहनत करी इसलिए। हाँ, अपन ने वर्क मेडिटेशन किया बेटा। ये पसीने के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन धरती माँ को साफ रखना है। क्या बोल रहे हो? धरती माँ साफ साफ रहेगी तो अपन को भी साफ रखेगी। सही बात है। चलो अभी ये फाइनल इसमें डाल देते हैं, अभी मंदिर से हो जाएगी माचिस मिल जाएगी। देख लो कितना बड़ा ढेर है। दोस्तों ये लास्ट कट्टा है, ठीक है, थोड़ा सा बचा है। दोस्तों ये आखिरी बैच में डाल रहा हूँ। अब हमको लगभग यहाँ 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है सफाई करते करते। हमने 1 घंटे का संकल्प किया था, लेकिन हमने उस संकल्प को पूरा किया और ये एक ढेर लगा दिया, वो एक ढेर लगा दिया। अब इसमें हम आग लगाएंगे, ठीक है, और यहीं खड़े रहेंगे, ध्यान रखेंगे क्योंकि जंगल है। हालांकि वैसे सर्दी का मौसम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी गर्मी का मौसम होता तो प्रॉब्लम होती है। अभी वैसे भी घास वास सब गीली है, तो आग लगने का कहीं और आग लगने का डर नहीं है। हम यहाँ खड़े रहेंगे थोड़ी देर, ठीक है ना। अब आग लगा देते हैं इसमें। तो दोस्तों इस पहले ढेर में हमने आग लगा दी, अब दूसरे वाले में लगा देते हैं, ठीक है। को भी जला दिया हमने, और यहाँ बहुत सारी गंदगी जो है वो साफ हो गई है, ठीक है। जलाना मजबूरी है, हालांकि मैं जलाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी है, यहाँ से इसको ले जाने का कोई तरीका नहीं है, तो इसको अपने को जलाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। तो मित्रों मैंने और शिवा ने आज यहाँ कितना लगभग 2 घंटे कार्य ध्यान किया, और बड़े शानदार तरीके से हमने एकदम मस्त नीट एंड क्लीन कर दिया। एक भी तानसेन का पाउच नहीं है, एक भी बालाजी का चिप्स का पैकेट नहीं है, एक भी लेज का या कुरकुरे का चिप्स का पैकेट नीचे नहीं है, एक भी तानसेन या विमल गुटके का पाउच नहीं है। सारी पत्तल दूने अपन ने इकट्ठी कर दी और सब में आग लगा दी। बस 1.5 घंटे में, 2 घंटे लग गए, 1.5 काम, देख 11:15 हो गए। पापा अपन लगभग स्टेप्स कितना बनाए थे मैंने। चलो अब मेरी बात सुनो। तो मित्रों यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, जिनको भोपा बोलते हैं, उनसे मैंने बात कर ली है, उनको मैंने बताया और तरीका बताया कि एक बड़ा खड्डा खुदवाओ, जब भी यहाँ रसोई होती है तो यहाँ जो भी लोग खाना खाते हैं वो अपना जो भी खाने के बाद जो पत्तल होता है उसको उसमें डालें, ठीक है ना, और उसके 2 दिन बाद उसमें आग लगा दें या फिर उसको इकट्ठा करवा के नीचे भिजवाएं। कुल मिला के ऐसा सिस्टम हम यहाँ बनवाएंगे और प्रॉपर ये मंदिर साफ रहेगा, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत प्रिय है, ये जंगल हमारे को बहुत प्रिय है और हम नहीं चाहते ये खराब हो और गंदा हो। तो आज हमने क्या किया बेटा? कार्य ध्यान किया, वर्क मेडिटेशन। हाँ, 2 घंटे हो गए पूरे, मजा आ। तो आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम जो हमारा प्रयोग है उसको घर पे जाके भी करेंगे, और वो प्रयोग यूँ समझ लो चल ही रहा है। जब हम कचरा इकट्ठा कर रहे थे तब भी हम हमारी श्वास पर ध्यान देते हुए ये काम कर रहे थे, तो ये वर्क मेडिटेशन है। और तंत्र में ऐसे प्रयोग भी हैं जिसमें खुद को बहुत ज़्यादा थका देने के लिए कहते हैं भगवान शिव कि इतना थका दो, इतना थका दो। एक प्रयोग ऐसा भी है कि इतना चलो कि तुम बस ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम निढाल होकर गिर जाओ, तो ऐसा भी एक प्रयोग है। इन 112 विधियों में एक विधि ऐसी भी है, आएगी आगे वो,
तो अभी हमने बिल्कुल तरीके से वक्त मेडिटेशन किया और बहुत आनंद आया। ठीक है मित्रों, ये व्लॉग आपको कैसा लगा? इसमें खाली एक मैसेज है कि हमें हमारे देश को, हमारे आसपास की जगह को बिल्कुल साफ रखना चाहिए, माँ प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। अगर हम दोहन कर रहे हैं तो कम से कम उतना तो करें कि वापस उसको कुछ तो दें। आधा एक घंटा कभी निकाल के सफाई भी कर देनी चाहिए अपने आसपास। जो जगह आपको प्रिय है, आपको लगता है कि वहाँ गंदगी है, तो आप निस्वार्थ भाव से वहाँ जाकर सफाई करो, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। ये भी करके देखो, ये भी एक बहुत अच्छा ध्यान है। अभी मजा आया ना अपने को? दोस्तों, शिवम ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। शिवम कहाँ रखे यार बेटा? यार मिल ही नहीं रहे यार बेटा। दोस्तों, शिवम जो है ना, बैग इसने अपने जैकेट वगैरह खोल के इसमें ठूस दिया और मैंने बैग उठा के सीधा कंधे पे लगाया। यार हम नीचे उतर गए। शिवम ने क्या है ना, मेरे जो कान के ईयरबड है ना, वो ऊपर ही भूल गया। मैं ऊपर जाता हूँ, शिवम को यहीं बिठा देता हूँ। शिवा चल, तू यहीं बैठ, मैं जाके आता हूँ। बैठ, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। यहीं बैठा रहना ना, हिलना मत अपनी जगह से, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो तो आवाज़ लगा देना जोर से। हाँ, सांस भूल गई थोड़ी सी। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये रहे, ये पड़े। हाँ, शिवम भूल गया था। चलो अब नीचे चलते हैं। हाँ, वैसे मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई चीज़ घूमी हो और मुझे वापस ना मिली हो। ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत बार, मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को रख के, लेकिन वापस मुझे मिल जाती है। क्योंकि कि अपन जो पैसे कमाते हैं ना, वो किसी का हक मार के या बेईमानी से नहीं कमाते, ईमानदारी पे चलते हैं, मेहनत करते हैं, तो अपनी हर चीज़ अपने को वापस मिल जाती है। चलो पानी पी लेता हूँ थोड़ा। मिल गए बेटा। इसके बैग के ऊपर था जो तूने इसको अंदर डाला ही नहीं, तो बाहर ही पड़ा हुआ था। हाँ चलो, अब बैग लो, बैग उठाओ, चलो बैग उठाओ, बैग लगाओ अपने कंधे पे। अब नहीं भाग रहा हूँ। और अक्सर ऐसा होता है, बेईमानी के पैसे से खरीदी हुई चीज़ें घूम जाए तो मिलती नहीं है। आपका मन भी साफ़ नहीं और आपकी कमाई भी साफ़ नहीं है, तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान दिया है, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। लॉ ऑफ कर्मा, नुकसान दोगे नुकसान मिलेगा। दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो उसमें सबसे पहले खुद गिरोगे। हाँ, जो जो जिनके लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसके अंदर गिरता है। सही बात है। चलो दोस्तों, बाइक तक पहुँचते हैं, फिर घर जाते हैं। आज के इस ब्लॉग में ये ट्विस्ट और था कि हमारे ईयरबड हम ऊपर भूल गए और अब हम मिल गए। एक छोटी सी मिर्चा को भी मेरे साथ। कोई बात नहीं, तुझे पता नहीं था बेटा क्या है, तुझे पता नहीं था। तुझे अगर दिख रहे होते तो तू बैग में डालता 100%। समस्या इस संसार के लोगों के साथ यही है कि वो माँ प्रकृति का, नेचर का बहुत भयंकर तरीके से दोहन कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न में, बदले में उसको कुछ दे नहीं रहे। 100 पेड़ काट रहे हैं, लेकिन वो अगर 5 पेड़ लगा भी रहे ना, तो उनको जिन 100 पेड़ों को उन्होंने काटा ना, वहाँ तक उन 5 पेड़ों को पहुँचने में भी बहुत साल लगेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि पेड़ काटो ही मत, कम से कम काटो। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो कि नहीं साहब ये तो काटना ही पड़ेगा, तो काटो। लेकिन हाँ, लेकिन सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए हम माँ प्रकृति का शोषण किए जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। और हम सबको जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, और सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए अपने आसपास। ये देखो, बोतल फोड़ रखी है। कह रहा हूँ ना, लोग बहुत बेहोश हैं यार। लोगों की आँखें खुली है, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन सब कुछ नींद में हो रहा है, जागृत निंद्रा में हो। लेकिन लोग कलयुग के बेहोश हैं, उनको सिर्फ अपनी पड़ी है, उनको कोई मतलब नहीं। आ जाओ शिवा। हाँ, आज खूब सारा पसीना हो गया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, अगर आपने व्लॉग देखा हो। व्लॉग अगर यहाँ तक पूरा देखा हो तो अपने विचार जरूर कमेंट करना। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। चलो।